श्रोत्री ब्रह्म वेता संतों की मानव सत्संग करनी रहे, तेरे को उनसे ही सीखनो जो खुद तेरे जान चुके हो और ज्ञान की सीधे अर्थ में यही परिभाषा है, जिन तिरबो आ गयो समझो सारा शास्त्र पढ़ गयो, जिन तिरबो आ गयो वो सब सत्संग सुन चुके हो, जिन तिरबो आ गयो वो सब भक्ति कर चुके हो, और जिन तेरे बोल न जानिया तेरे बोल ना वो चाहे घणो पढ़ियो हो किताब पर कहीं कौन पढ़ियो, खूब सुनी हो सत्संग पर कुछ नहीं सुना, खूब करियो पूजा पाठ तीर्थ यात्रा व्रत उपासना तेरे बोल ना आयो तो कहीं कौन करियो, सारो मामलो खत्म, सकल अर्थ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया स्मरण रामकार कर लीजिए, अर्थ आया सब जानिए, अर्थ आया जब जानिए सब अनर्थ छूटे, और दादू भांडा भ्रम का गिर छोड़े छूटे, तीर वो आगे तो सब कुछ कर लीजिए। एक महात्मा नाव में बैठा, नाव वालों चला दियो, महात्मा वो नाव वाला ने कियो रे काम कहीं करे तो यो नाव चलावा कोई धंधो करो और भी है, गुरु महाराज एक ही धंधो है नाव चलावा को, इसु कुछ मजदूरी मिले जिसु बाल बच्चा को गुजारो करो, महात्मा कियो रे कभी कभी चार धाम तीर्थ यात्रा भी गियो करे, नाव चला वालो कियो गुरु महाराज गरीब आदमी हो ई नाव ने चलाबा के आगे मन पुरुषति को न तो खदी गियो ही को खते तीर्थ यात्रा, महात्मा गरिया कारी जिंदगी का 100 साल में 25 साल तो यूं ही दिया मेरे बाबा, थोड़ी देर इन महात्मा और कियो कटे कटे भगवान की कथा भागवत सत्संग भी सुनी के कदी गियो बैठियो, ओ कह रियो गुरु महाराज दिन हो गया जो शाम तक रोज नाव चलानी पड़े, न चलाऊ तो गुजारो नौ मत कदी कथा भागवत सत्संग में भी न कियो, महात्मा कियो के फिर जिंदगी का 50 साल तो यूं ही गया, नदी के बीच में नाव की जोरदार आंधी चाली तूफान आयो, वो नाव वालो महात्मा ने फेरियो जे गुरु महाराज थोड़ा घना तिरबो जानो जोग न जानो, महात्मा घरिया पेटी डोल की कूटवा में रह गयो मु तो है तिरबो तो न जानो, जब नाव वालों घरियो जगे मारा तो 50 साल ही किया जब जिंदगी का आज तक 100 वर्ष टे पूरा वो जिंदगी में आज तक 100 वर्ष टे पूरा वो ही नदी में मारा बस को काम को न नाव डूबली आंधी तूफान जोरदार आ चुक्यो नाव डूबली मारा तो 50 साल ही गया जिंदगी का तक आज गड़ाटे डूबला 100 साल टे पूरा हो, यानी कहने का अर्थ यह है तीरबो न जानियो तो गणु पढ़ियो तो भी
कुछ ना पड़ी। खूब तीर्थ यात्रा व्रत उपासना करी तो भी कुछ ना करी। घणो ही सत्संग में तिरबो न जानियो तो कुछ न जानियो, क्योंकि ये प्रोक्ष ज्ञान है शास्त्रों का। भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य लिखता है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता ब्रह्मात्मे के बहुदिन बिना भी मुक्तिरण सिद्धियति ब्रह्म तांत्रिति। चाहे सारा धर्म शास्त्र का व्याख्याकार क्यों बन जाए, क्यों ना बन जाए, सब देवताओं को भज ले, करोड़ों कर्म कांड यज्ञ कर ले, मगर फिर भी इन लक्ष्य से दूर है कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है, वही मेरा स्वरूप है, जगत है सत्य मिथ्या। ये निष्ठा जब तक ना बनी है, जब तक सारा पड़ा किया कुछ है ना के बराबर। और तिरबो तो वही भाई, सो की नदी में आ देती तिरबो कोई नसीब थी, तिरबो उमे सीखनी आवे जी नदी में पानी होवे, कोरी नदी की रेत में आटो पड़ बचाड़ा पाता जीसो तिरबो। और वही सिखा सके जो तिरबो जानतो। एक आदमी तिरबो सिखाबा की डिग्री ले रहा है पढ़ाई का, अब लोगों ने तिरबो सिखा। एक आदमी आयो क्यों भैया तिरबो सिखा दे कतरा रुपया ले क 500 रुपये सिखा तो दे सिखा दे तो चल सिखा तिरबो। वो करियो जो भी ना धरती में ऊंदो लेट, वो ऊंदो लेट पगन लंबा कर आता ना चौड़ा कर, और फिर धरती में पचाड़ा भाग यान कर कर और विचारो धरती में पगन नहीं लावा है आता नहीं लावा। तिरबो तो पानी में सीखो जाओ, धरती में थोड़ी सीखो जाओ। करीबन बेचारा ना थापड़ चिंता करता, आधा घंटो बीत गयो, आखिरी में परेशान और शिका बाला ने क्यों रे तू या बता खदी खदी पानी की नदी में घुसियो चोर न घुसियो। वो कह जगह आ देती पानी में तो घुसियो ही कौन ना बोलता। तो बेटी का बाप मारी एक्टिंग करा रहा है, मारी एक्सरसाइज करा रहा है, जब तू कदी पानी में घुसो ही कौन है, नदी में कदी घुसो ही कौन है, तो मन केवल ये थोड़ी कल से है रटन से, ये थोड़ी कल बातों से तिरना नहीं सीखा जाता। शास्त्रों की बातें जो है ना ये थ्योरी कल है, यही अनुभव में उतरे, यही अनुभव में उतरे, जैसा जाना वैसा माना, उनका नाम ज्ञानी। केवल जाना ही जाना और माना नहीं, उनका नाम विद्वान। तो कल्याण ज्ञानी का होता, विद्वान का नहीं होता। विद्वान के लिए तो राम जी महाराज ने कहा होवे 14 विद्या निदान और पूर्ण सकल कला विद्वान। ज्ञानी शब्द ना आया, विद्वान आया, पूर्ण सकल कला विद्वान। और जाको देशो दिशा में मान, फिर भी भक्ति बिना अधिकार जगत में जीवन। इसलिए जितना जाना उतना माना, निष्ठा में आया तो समझो ज्ञानी। बहुत कुछ जाना मगर जाना जिसमें निष्ठा नहीं, जाना जिसमें निष्ठा नहीं तो कुछ नहीं जाना। केवल कहना सीखा। दो गांव के बीच में एक नदी बहती, दो ही गांव को आनो जानो नाव से ही होता। अब ओले किनारे एक डोकरी रहती, पहले किनारे एक महात्मा कथा कर लिया। डोकरी कैसी जोरदार लगन, रोज नाव में बैठ कथा सुनवा जावे। एक दिन कथा सुनवा की जो कोई बात आ गई कथा, जब रामाधर लंका में गयो,
राम जी को नाम लिख लिख कर डालिया जो सो सो मन का बाटा भी पानी में तुल गया, वो भी न डूब गया। महात्मा बाजिंद ने भी कहा राम कैत कली माई न डूबा कोई रे, अरद नाम पाखान तेरे सब लोई रे, कर्म की केत के बात विलंब हो जाएंगे, और हाँ बाजिंद हाथी पे सवार कुत्ते क्यों खाएंगे। या बात डोकरी ने सुन दी, डोकरी सोची कर थारी, जब भगवान का नाम सुन सो सो मन का बाटा ही तिर गया। अरे जो भेड़िया एक मन की डोकरी थोड़ी डूब जा रहे, आज पढ़ियो रे मन तो जन्म बीतियो ना उड़िया ने किरायो देता, आज सुई कलेश ही कट गयो ना हुआ बगड़वा। अब ना खत्ता सुनर भाषी करा जा रही जो नावा लागे जटी नजारी सीधी जा रही नदी, नावा वाला जाला देरिया गटी बड़ेटी सीधी कहीं सरक रही थे। अब डोगरी ने तो भरोसो सो नदी के किनारे जार के जय श्री राम, यान फिर डोगरी तो नाव में बैठे जानी निकल गई। अब तो रोज यानी आवे जावे, अरे नाव में बैठवा को झगड़ो ही मिट मिट। एक दिन डोगरी विचार करी जो महात्मा आपन या कतरी गजब की तिरबाजी करा सिखाई, किरायो देबा को नाव में बैठवा को बंदो ही कट गयो, वन कदी आपनो द्वारे भोजनी न कराए। खत्ता पूरी हो ये डोगरी क्यों स्वामी जी, आज भोजन हमारे गरीबनी की कुटिया में करो ना। बाबा जी ने भी तोल को नो जो भाई पहला किनारा पर है वह गया, महाराज ने कही आ दिया जड़ा पाड़ को आका तीज को साओ आपनो ही खाट रही, नोई ग्रह आपनी जन्म कुंडली में बेड़ा हो वैसा। आगे आगे डोगरी वासे महात्मा आवाज नावा लागे जटी न जाओ सीधी जाओ डोगरी, महाराज खेरिया है थन दिन में रतन दो आओ बड़ा चाचा, नावा तो उठी लागे जे तू सीधी खा जा रही थी का आपने भरवा को नहीं दिया कि नावा आपनी तो आपनी नाव जोरदार है। डोगरी ने तो विश्वास सोचो किनारा बाजार का जय श्री राम, डोगरी तो निकल गई और बाबा जी की आज्ञा का भी वो जबक जबक कर मारे रामण ये आपड़ी आज्ञा में पीड़िया को रोग हो गयो, कहीं चक्कर में आ गया का इन तो धरती दीकर दीकर आपने तो पानी दीख रही हो। डोगरी की देखे देख बाबू जी भी लगाई छलांग नदी में, जो माता जी की चिर सुड़ की नहीं दो पग तो ऊपर हो गया, मा तो नीचे हो गई गड़ींदा खा खा जा रही है। डोगरी भी पेला किनारा पे खड़ी खड़ी जाला दे रही कर स्वामी जी अब बार तो फदार जाओ अंदा का यो अशियान को आठड़ तो पुरुषत में कर ही लगा दी। ज्ञान कहता कहता तो गणा आतर तरे चल गया मामा, डोगरी सोची गुरु जी नोटली नो जय श्री राम खैर कुर्दी आत पकड़ बारे निकाल लेगी किनारा पर ले जा रूंदा पट गया ना, जो पानी का पंप की नाली में जो पानी खड़े जान भबक भबक हो जाए पानी खड़े मोड़ा ओ सायो नहीं जो बाल बच्चा ने याद कर कर गणा रोया माता। डोगरी कह रही गुरु महाराज आप भग्या जाग जियो भग्यो जो न तो कांड जो तो मारी मौत बन रही रे मौत, क फेर ते तो करिया जा खत्म क भगवान का नाम सो 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 मन का बाट आई तिर गया गया, मैं सोचो गया एक मन की डोगरी थोड़ी डूब जाए, मो तो जी रोज सुई यानी आऊं जाऊं
मने भी भरोसा को न जब ऐसा चाहिए तिरजिया इसलिए बिनु विश्वास भक्ति नहीं ते बिनु द्रव्य है राम राम कृपा बिनु सुख नहीं हो जीव कीन लहे विश्राम रामायण कहते अरे लौकिक पदार्थ की प्राप्ति भी बिन विश्वास के संभव नहीं है तो प्रभु की प्राप्ति भगवत प्राप्ति बिन विश्वास के हो जाए कतई संभव ही नहीं। मरने को मंजूर भये जब जी पाया राम पूर्ण कबूल होत है बातों से जो उनके लिए जीवन त्यागने के लिए खड़े हो गए मौत से बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए जब इसी हृदय की करुणा की पुकार उस प्रभु के द्वार तक पहुंची है वो जाना भक्ति और बात जो भगवान मिलते और भगवान आता ना तो भगवान ने तो मोबाइल की नहीं ठंडो ही नौबा देता है रात दिन गर्म बड़बड़ तो कर ही रहा इसलिए अगर बात जो भगवान आता इसलिए क्यों श्रोत्रिय ब्रह्मवेता संतों की मानव सत्संग करनी रहे जी की नाव में बैठनो हो दो चीजें सलामत देख ले एक तो उनकी आंखें सलामत हो और एक उनका हाथ पांव सलामत हो हाथ पांव तो अट्टा खट्टा पर आंखें को न तो नाव बना सीधी जावे बना उल्टी जावे बिना कहीं पतो अब आंखें सलामत है हाथ पांव को न तो चलाओ भी कहीं आके सलामत होना शास्त्रीय भाषा में श्रोत्रिय लक्षण है और हाथ पांव सलामत होना ये ब्रह्म निष्ठ पना है भक्ति ज्ञान वैराग्य के पांव हाथ मजबूत हो और जिनकी ये निष्ठा उनके लक्षण कैसे धीरजवंत अडिंग जितेंद्रिय निर्मल ज्ञान शील संतोष कुष्मा जिनके गट लाग रहो सो अनहद नादु द्वेष न पक्ष जो लक्ष्य निरंतर और नहीं कछु वाद विवाद ये लक्षण है जिनके उर माई और सुंदर के गुरु है उर दादा ये लक्षण मिले जब जानो ये संत शत्रु ने मित्र जाके सब है समान देखा ममतव सारी आत्मा ही राम है और उपाधि जाके कछु नहीं देखियत और सुख के समुद्र में रहत आटो याम है रिधि और सिद्धि जाके हाथ जोर आगे करी सुंदर कहत ताके सबकी गुलाम है और अधिक प्रशंसा करी हम कैसे कह सके ऐसे गुरुदेव को जो हमारा प्रणाम ये लक्षण मिले जब जानो ये महापुरुष बंदो चाहे संत कुछ कहे भी ना चाहे बोले ही नहीं मगर जिनकी शरण या नजदीक जाकर बैठने से जीवन में शांति की अनुभूति या एहसास होता हो तब जानना कि ये महापुरुष है जैसे उंदाड़े के दिनों में गर्मी में तपता हुआ प्राणी कोई वृक्ष की छाया में जाकर बैठता है ना तो उनको कितना आराम मिलता शांति महसूस होती है ना सुख की अनुभूति होती है ना ऐसे संसार में तीनों तापों की ज्वाला में तपता हुआ प्राणी जिनके सानिध्य या नजदीक शरण में जाकर बैठने से जिनकी तापों की ज्वाला शांत होती हो काम की क्रोध की लोभ की मोह की अहंकार की राग की द्वेष की ईर्ष्या की नफरत की आग शांत होती हो गर्मी शांत होती हो और परम सुख की अनुभूति होती हो तब समझना ये संत है। जैसे बड़े सरोवर के किनारे कोई गर्मी से परेशान आदमी जाके बैठता ना तो चाहे वो स्नान भी ना करे डुबकी भी ना लगाए मगर उसने सरोवर की टंडी ले रहा आती है ना वही उनकी गर्मी को राहत देती है शांत करती है उनको सुख का अनुभव कराती है।
ऐसे ही सुख के समुद्र में रह काटू यार। अरे दरिया तालाब ही की लहरें गर्मी को शांत कराती है, जो अगर कोई सागर के नजदीक ही जा बैठे तो उनकी हिलोड़े तो मिटा जाती है ना गर्मी। इसलिए ये जरूरी नहीं कि संत बोले तब ही ज्ञान हो। दादू जी महाराज ने तो वाणी में कहा कि उत्तम अधिकारी तो मन के संकल्प से ही सचेत हो जाता, मध्यम श्रेणी के प्राणी नैन के इशारे से संकेत को समझ जाता, और कनिष्ठ को चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ता। एक बार एक वेश्या अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज सामने आ रहे थे। वेश्या को पता नहीं था ये कोई संत है। वेश्या ने अपना ग्राहक समझा उनको, और दत्तात्रेय जी महाराज को अपनी कुटिया में ले गई। अरे इतनी आत्म मस्ती में डूबे हुए दत्तात्रेय जी महाराज, जिनकी दृष्टि में जगत ही नहीं है तो वेश्या क्या चीज है। जिनकी दृष्टि में कोई आदमी औरत होने का भेद नहीं है तो वेश्या क्या चीज है। जहां ले गई वेश्या चले गए, जहां बिठाया था बैठ गए। आखिरी में उनके चेहरे की ओर देखते देखते वेश्या ने सोचा, मैं जिनको जो सोच के लाई हूं वो अपना ग्राहक अपना आदमी नहीं है, ये कोई और। मगर उनकी आत्मानंद की मस्ती को देखकर वेश्या देखते देखते वेश्या को सोच पैदा हुई कि कोई भी प्राणी नीति करे अनीति करे क्यों करता है, पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए, सुविधा के लिए, अच्छा मकान बने हो, गाड़ी मोटर हो, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाए पिए, अच्छी सुविधा मिले, इसलिए पैसा चाहिए। और सुविधा क्यों चाहिए, सुख के लिए, शांति के लिए। अगर सुविधा में हकीकत सुख होता तो इन महापुरुष के पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, पहनने तक कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी घोड़े नहीं है। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है फिर भी इनकी हृदय की मस्ती को देखो, जिनके आगे करोड़पतियों की मस्ती चक मारती है, जिनकी मस्ती के आगे करोड़पतियों की राजे महाराजा दुनिया के सम्राटों की मस्ती चक मारती है, ये कितने मस्त आदमी है। अगर पैसों में धनमाया में सुविधा में मस्ती होती तो इन महापुरुष के पास में नहीं होती। इनके पास सुविधा ना होते हुए भी आनंद है, शांति है, मस्ती है। इसका मतलब उस शांति का साधन सुविधा नहीं है, कुछ और है। उसी महापुरुष की मस्ती को देख करके वेश्या ने सोचा, तो फिर मैं ये अनर्थ क्यों कर रही हूँ पैसों के लिए। और पैसों में मस्ती नहीं है, शांति नहीं, शांति का साधन रास्ता कुछ और है, तो मैं क्यों पाप कमा रही हूँ। आज से मुझे पाप नहीं करना, ये कर्म नहीं करना, इन महापुरुषों की सत्संग करना, इन संतों का सत्संग करना। इसलिए कहा पहले गुरु मन से कहे, तू जी नैन की सेन, दादू शिष्य समझे नहीं फिर कह समझावे बे। दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं, वरना ये निष्ठा नहीं बनी तो चाहे बहुत उच्च गाया सुनाया पढ़ा। दरियाव जी महाराज कहते सीखत ज्ञानी ज्ञान गम, अरे करे ब्रह्म की बात दरिया बाहर चांदनो, अरे भीतर काली रही। बातों से तो दिन की दोपहरी अनाद है, प्रवचन करवा लागे तो, और हृदय ने टटोड़ो तो रात की माउस पावे, काली रात पावे। अरे जिनके नजदीक आने से शांति तो नहीं मिली, पहली तपरा बिचारा तीनों तापों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, और उन्हें और तपा दिया, ऊंच में, नीच में, जाति में, पांति में, मत में, पंतों में, संप्रदाय में, अपना में, पराया में, और आग को ज्यादा भभका दी, तो समझ जाओ ये संत नहीं है। संत के भेष में संत का कोई बाना है।
है, संत नहीं है, इसलिए कहा है श्रोत्री ब्रह्मवेता संतों की, अरे मानव सत्संग करनी रहे, संत समागम ज्ञान सरिता और कलिमल हरणी रहे, जैसे मलचर कतक जिगर को पातक चरणी रहे। मलचर कहते साबुन को और कतक कहते फिटकरी को, ये दोनों मेल उतारने का काम करती है। साबुन भी मेल उतारती है और फिटकरी भी मेल उतारती है। ऐसी इसी तरह सत्संग है जो इस अंतःकरण की मलिनता को उतारती है, पाप विकारों का मेलापन धोती है। जैसे मलचर कटक जिगर को पातक चरणी रहे, श्रोत्री ब्रह्मवेता संतों की, अरे मानव सत्संग करनी रहे। फिर कहा कि विश्वामित्र वशिष्ठ कथा ग्रंथों में वर्णी रहे, और पल सत्संग का तप से अधर्म रुकगी धरण है। सत्संग का महत्व क्या? एक बार वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम आए, तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज पधारने लगे, तो 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य भेंट किया। 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य वशिष्ठ जी को भेंट किया। और जब एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ के आश्रम गए, वापिस आने लगे, वशिष्ठ जी महाराज ने केवल एक पल की सत्संग का पुण्य भेंट किया, तो नाराज हो गए विश्वामित्र जी। मेरे द्वार आए, मैंने कितना सम्मान किया, 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य कमाई भेंट करी है, और इनके द्वार पर आया, मेरा तिरस्कार किया, केवल एक पल की सत्संग का पुण्य भेंट किया। दोनों अड़ गए, नाराज हो गए। तो विश्वामित्र जी कह रहे, भाई 1000 वर्ष की तपस्या बड़ी, वशिष्ठ जी कह रहे एक पल का सत्संग बड़ा, ये न्याय कराने के लिए शेष जी महाराज के पास में गए, प्रभु कहो 1000 वर्ष की तपस्या का फल ज्यादा है या पल की सत्संग का पुण्य ज्यादा है। शेष जी ने कहा, मेरे शीश पर इन पृथ्वी का बोझ है, विश्वामित्र जी आप ऐसा करो, हाथ में जल लेके संकल्प करो कि 1000 वर्ष की तपस्या एक पल की सत्संग के पुण्य से ज्यादा हो तो ये पृथ्वी कम से कम एक हाथ ऊपर उड़ जाए, मैं निर्णय कर दूं। संकल्प किया विश्वामित्र जी ने, पर पृथ्वी 1 इंच भी नहीं हिली। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, आप संकल्प करो 1000 वर्ष की तपस्या से अगर एक पल सत्संग का पुण्य ज्यादा हो तो ये पृथ्वी थोड़ी ऊपर उठ जाए। ऐसे कहते ही पहले वह सुबह हाथ ऊपर उठ गई है। शेष जी ने कहा, मेरा निर्णय करने का मामला ही खत्म हुआ, न्याय अपने आप ही हो गया कि 1000 वर्ष की तपस्या का फल ज्यादा या एक पल की सत्संग का फल ज्यादा है, क्योंकि 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य अनित्य होता है, तपस्या से पुण्य होता है, और पुण्य की दौड़ स्वर्ग लोक तक है, आगे पुण्य की दौड़ नहीं है, और वो पुण्य खत्म होने पर देवताओं को भी घोड़े गधे कीड़े मकोड़े भेड़ बकरा बकरी गाय भैंस ऐसे जन्मों में योनियों में आना पड़ता है। दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं, जब तब करनी कर गए और स्वर्ग पहुंचे जाए, दादू मन की वासना जो नरक पड़े फिर आए, तम ते विशाल स्वर्ग लोकम सिन्नेम पुण्यम मृत्यु लोक विसंति एवं त्रे धर्म मनो परपन्ना गता गतम काम कामान भन्ते। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवता बन के स्वर्ग चला जाएगा तो भी पुण्य खत्म होने पर जन्म मरण में इस लक 84 में भटकना होगा। और पल की सत्संग वो है, पल की सत्संग किसे कहते हैं? लोहे को पारस के टच होने में कितना टाइम लगता है? एक रगड़ का खाया और लोहा सोना हो गया, फिर उसको चाहे 1000 वर्षों तक खेत में पड़ा रख दो, वो उल्ट कर कभी लोहा नहीं होता है। एक बार सोना हो गया है, दोबारा लोहा नहीं बनता। ये एक पल की सत्संग है, ये बल्ब
और करंट मतलब और तार यानी लाइट, इनके बीच में अगर मतलब से तार जुड़ जाए तो उजाला होने में कितना टाइम लगता है? एक पल भी नहीं लगता ना। जैसे तार टच होया लट्टू से और उजाला हुआ, ऐसे ही इस मन का अटैचमेंट, इस मन का कनेक्शन महापुरुष रूपी ब्रह्म ज्ञान रूपी करंट से हुआ और इस खोपड़ी के दिल दिमाग के बल्ब में अरे ब्रह्म अनुभूति होने पर, आत्म ज्ञान का उजाला होने पर एक पल नहीं लगता है। इसलिए संतों ने कहा कि हकीकत में श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो तो पेट्रोल को भभकने में टाइम लगता है, कपूर को उड़ने में टाइम लगता है, फूल को मसलने में टाइम लगता है, मगर आत्मज्ञान होने में टाइम नहीं लगता है। जनक जैसा चेला मिले, अष्टावक्र जैसे संत यानी गुरु मिले, एक ही पांव घोड़े की रकाब में रखा था, दूसरा पांव उठाया तक नहीं, जिसमें आत्मा का अनुभव करा दिया। इसलिए कहा है कि पल सत्संग का, तप से अधर्म है, रुक की धरणी रे। श्रोत्रे ब्रह्म वेता संतों की मानव सत्संग करनी रे, जग में तरण करण सत्संग निज भव वे करनी रे। सत्संग नैया अरे ये संत खेवैया अरे शब्द निसरणी रे। श्रोत्रे ब्रह्म वेता संतों की मानव सत्संग करनी रे। अमी औषध गुरु चेतन भारती की मम अंतस जरणी रे, भारती पूर्ण मुक्त भयो नहीं आपत भरणी रे। श्रोत्रे ब्रह्म वेता संतों की मानव सत्संग करनी रे। पांच मिनट बचे, इसलिए गुरु भी ज्ञानी हो और शिष्य भी श्रद्धावान हो, और गुरु जी भी धूम धूम दाड़ा में उड़ जोड़ो ही है, टोना टोट गया में उड़ जोड़ो ही है, बाता तक किसी नीति है, जो जन के बंधन हरे सो साधु कोई एक, कर्म क्रिया जोड़ने विषय जन साम्रत अनेक। दस पांच आदमी रात भर सत्संग सुन रहा, सुबह सुबह जा रिया तो बाता करता ही जा रिया, देखो रे भाई जी के गुरु को न, वो तो काली दार में डूबे दो, जी के गुरु को न जो तो काली दार में डूबे दो। एक ग्वाल सुन क्यों ही बात, अरे का गुरु तो आपने भी को, फिर आप भी कालीदार में डूब गए। दूजा ग्वाल ने क्यों रे भैया, आज गाय पेशे थूच राजे मारी, यो चेलो बनबा को टोट क्यों करियो, न तो कालीदार में डूबूंगा। अब यो गुरु करबा गयो चेलो बनबा गयो, एक महात्मा मिलिया और तो डोकर दे परियो लंबो ही पड़ियो पगा मजा। स्वामी जी चेलो बना ले सो के भैया कुटिया में आ जे रे, अयो कुटिया में चेलो बनवा गयो। गुरु जी कह रिया जे चेलो तो बन रियो पर खदी मारो बचन मत टाल देवा, यो कह रियो जे अगर टाल दियो तो के फिर तो मजदार में कालीदार में डूबो, कबूसू बचबा तो आयो ही फिर तो नटाड़ो कभी देख जे रे टाल दे के नटाड़ो गुरु मारा, देख जे रे बचन टाल दे के नटाड़ो। ज्ञान कर चेलो बनबा बैठो ना गुरु जी का, ग्वाली तो छो ज्यादा सतुनु को न छो, फालकड़ी लगार न बैठो और ज्ञान उकड़ी बैठो गुरु जी का। गुरुजी कह रिया जरे सतु ना हो तो बैठ, इन सोच के गुरुजी क्यों जो बचन मत टाल के, आप तो बनबो शुरू हो गया दीकर, यो ही लारा को लारे ही महात्मा ने कह दे सतु ना हो तो बैठ। गुरुजी कह रिया जरे समझ रहे समझ मूरख, यो ही लार को लारी महाराज ने करी और समझ रहे समझ मूरख, यो तो समझ न पकड़ रही क्यों महाराज कह रिया जाए समझ रहे समझ करता, यो ही लार बदारी कह दियो समझ रहे समझ करता। अरे गुरु जी का आयो जो बारह नंबर पर एक ही जो रेपट की तरी से चेला,
अतरी देर तो गुरु जी मंत्री सुना रिया दीता साचाए बनगोई तो शुरू हो या दीता आप दरबा मकसर नरा का दो जो कालीदार भी डूब लो जो गुरु जी तो रेपट की तरी थी और चेलो भी नीका जो अटो खटो हमने शिवराज जी की नहीं चेलो भी ऊट आके मेजर दांत बीस रार के गुरुजी के तरी से बाई तार दो तीन पांच लेना तो एक मुंह की मेजर डाकियो गुरुजी की और वो या जब पटकम पटकार बात के बात नीचे तो गुरुजी दबरिया चेलो उपरा बैठियो आखरी में नीचे पड़िया पड़िया गुरुजी ने विचार करियो देख जे रहे हो आपरा शब्द की चाल तो न पकड़ रखी आपरा समझ के ला रही तो न लाग रही नीचे दबिया दबिया महाराज दो यातन छोड़ रही क्योंकि छुट्टम छुट्टा इन्हें सोची का अब शर्टिया से बना अभी फिर यो यातन यो भी यातन छोड़ के छुट्टम छुट्टा गराजार गराली ने कियो कचेलो तो मुंह बढ़िया हो पर दाग दीग में बेट देवो भूल क्यों गुरु अशियो काम कर बेट तो तू ही दिया वह बिचारी नारियल और बेट लोगड़ी की जोड़ी में रखकर महात्मा ने की देवा महात्मा को जो भेली को मीटर ठंडो नो हो महात्मा सोचियो के खटे ज्यादा लागी दी के जी का घर का धनी या भवानी भी उनकी भीड़ छड़ रही थी बीसवीं नीटा शर्ट क्या था अरे या ईसु खटार तक लड़बो पाती आशी आत्रे से बाटा छटका बला गया कि नीड़े ना जाओ या भी बेट नारियल ने दूर सुई भेद पासी जार घर का दरी ने कियो अजी ओ चेलो बन कोई छोको जो बेट देबो कुनु खोटो यो कियो रे रान मारी आड़ी तो देख जन शकर कंद छुले ज्ञानी छुल रियो यो बेट देबो छोको जो चेलो बनबो कुनु खोटो है इले कहा लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव और भवसागर में डूबेंगे यूं बैठ पत्थर की नाव पत्थर की नाव से कोई पार नहीं हो सकता अज्ञानी गुरु या संत के सानिध्य में कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता है इसलिए कहा है संतों ने कि मल्ला ही अगर डूबता हो तो किश्ती पार कौन करे अगर सुधार ही बिगड़े तो फिर समाज का सुधार कौन करे इसलिए कहा है अपनी तो सूझे नहीं और औरन पूजे नाई दादू काका क्या करे रे बुरी वेता मन माई आप तो जाने कौन है और दूसरा की माने कौन है बी को नाम ही अनाड़ी है बी को नाम ही मूर्ख है इसलिए सत्संग हो आत्मज्ञानियों की हो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की हो इसलिए कहा है श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता संतों की मानव सत्संग करनी रे बोलो सदगुरुदेव भगवान की राम जी महाराज की बोलो राम लाल जी महाराज।